चलते लॉकडाउन को 3 मई तक बढ़ा दिया गया है। स्वास्थ्य संबंधित कोई परेशानी ना हो इसके लिए भी करनाल प्रशासन द्वारा सरकार के निर्देशानुसार गाइडलाइन जारी की गई है। इस गाइडलाइन के अनुसार वीरवार से करनाल जिला के सभी अस्पतालों में आम नागरिकों की सुविधा के लिए ओपीडी शुरू हो जाएगी, जिसका समय प्रातः 9 बजे से लेकर दोपहर 1 बजे तक का होगा। इसके अलावा आपातकालीन स्थिति में मरीज को किसी भी समय देखा जा सकता है। मरीज की अस्पताल में आने से पहले थर्मल स्कैनिंग होगी तथा उसको मास्क लगाना होना चाहिए। अगर मरीज ने मास्क नहीं पहना है तो उसे मास्क व सैनिटाइजर संबंधित अस्पताल उपलब्ध करवाएगा। यदि कोई भी अस्पताल लॉकडाउन के तहत प्रशासन के आदेशों की अवहेलना करता है तो उसके खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। वहीं डॉक्टरों के लिए भी गाइडलाइन है कि अस्पताल की जो भी ओपीडी फीस है उतना ही ले, इससे ज्यादा किसी भी मरीज से ना ले। वहीं बताते चले कि जो भी मरीज आएगा उसके पास संबंधित अस्पताल का आईडी कार्ड होगा, जिससे कि उसे अपने घर से अस्पताल आने तक आसानी रहेगी। इसके अलावा मरीज के साथ केवल एक व्यक्ति ही अस्पताल में आ सकता है। इससे संबंधित पुलिस विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों को निर्देश दिए गए हैं कि किसी भी मरीज के साथ एक व्यक्ति से ज्यादा अस्पताल में आने से पहले मरीज संबंधित अस्पताल में फोन करके अपने चेकअप का निर्धारित समय ले ले, ताकि उसे कोई भी असुविधा ना हो। अस्पताल में जो भी मरीज आए सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन हो, इसका पूरा ध्यान रखा जाए। वहीं गाइडलाइन में यह भी कहा गया है कि यदि किसी मरीज को कोरोना वायरस से संबंधित लक्षण है तो उसे तुरंत कल्पना चावला राजकीय मेडिकल कॉलेज में भेजा जाए। इस बारे में समाचार एक्सप्रेस की टीम के साथ विशेष बातचीत में IMA करनाल के प्रधान डॉक्टर अरुण गोयल ने क्या कहा, आइए ये भी आपको सुनवाते हैं। करनाल से तरुण मदान की रिपोर्ट। मैं तरुण मदान समाचार एक्सप्रेस के लिए, और इस समय हमारे साथ मौजूद हैं IMA करनाल यूनिट के प्रधान डॉक्टर अरुण गोयल जी। जैसा कि आपकी जानकारी के लिए बता दें कि लॉकडाउन 1 के चलते पिछले कई दिनों से करनाल के निजी अस्पतालों की OPD भी बंद थी। इसके बाद डॉक्टरों द्वारा यह निर्णय लिया गया कि यदि कोई मरीज है वो अपनी सलाह लेना चाहता है तो वो फ़ोन के ऊपर कंसल्ट इन डॉक्टर साथ कर सकते हैं, और डॉक्टर द्वारा जो दवाइयाँ इनको प्रिस्क्राइब की जाएंगी वो मार्केट से परचेज करके ले सकता है। लेकिन लॉकडाउन 2 के बाद सरकार द्वारा निर्देशों के बाद अब इन्होंने अपने अस्पतालों की OPD स्टार्ट करने शुरू कर दी है। इस बारे में हम बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अरुण गोयल जी। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है समाचार एक्सप्रेस में। थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया आपका बहुत। सर, मैं ये जानना चाहूँगा जैसे आज से OPD स्टार्ट हो गई है तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, OPD स्टार्ट तो प्रशासन की तरफ से ऑर्डर निकाला गया कि OPD स्टार्ट की जाए, पर मैं करनाल वासियों को बता देना चाहता हूँ कि OPD बंद पहले भी नहीं की गई थी। ये था कि OPD रिस्ट्रिक्टेड रखी हुई थी, अब भी रिस्ट्रिक्टेड ही रहेगी। उसका मकसद ये रहा कि जितने लोग OPD में इकट्ठे होंगे, लोग पास पास बैठेंगे, घरों से निकलेंगे तो यहाँ आके भी भीड़ में बैठेंगे तो उसमें बीमारी फैलने का ज़्यादा खतरा है। तो गुजारिश मेरी अब भी सब करनाल वासियों से यही रहेगी कि बहुत ज़रूरी हो तो ही घर से आएँ, तो ही अगर आपकी कोई ऐसी बीमारी है जो आप फ़ोन पे पूछ के अपना समाधान कर सकते हैं तो हमने 1950 नंबर पे सबको डॉक्टर्स के नंबर दे रखे हैं जिला प्रशासन को, वहाँ से फ़ोन करके अपने डॉक्टर का नंबर लेके उनसे बात कर सकते हैं। और अगर आपकी टेलीफोन पे ही समाधान हो जाता है तो उस पर भी आपका कोई शुल्क भी नहीं लगेगा, तो आप घर बैठ के ही उसका समाधान कर सकते हैं। फिर भी आपको ज़रूरत है तो आप आ सकते हैं आपको, और अच्छा ये रहेगा कि आप घर से फ़ोन करके टाइम लेके आएँ ताकि आपको यहाँ पे भीड़ में ना बैठना पड़े। और यही पहले हमारी गुजारिश थी, आज भी यही रहेगी। हालांकि OPD पहले भी खुली थी, अब इसको प्रशासन ने एक ऑर्डर दे दिया है तो और भी अच्छी तरह चलेगी, पर अभी भी हम आपको यही सिफारिश करेंगे कि अगर बहुत ज़रूरी हो तो ही घर से आएँ। सर, कितने से कितने बजे तक OPD का समय रहेगा? प्रशासन ने इसका टाइम 9 से 1 सुबह 9 से दोपहर बाद 1 बजे का फिक्स किया है। एमरजेंसी हो तो किसी भी टाइम आ जा सकता है, पर हमारी सबको यही रहेगा, इल्तिजा ये रहेगी कि 9 से 1 के बीच में ही आएँ और घर से मास्क पहन के निकलें, और एक मरीज़ के साथ ज़्यादा से ज़्यादा एक ही अटेंडेंट आए, ज़्यादा लोग ना आएँ, और हो सके तो बिना आए काम चले तो चलाएँ। सर, हमारे करनाल में ऐसे कितने हॉस्पिटल्स होंगे कुल मिला के जिनकी OPD अब, जिन्होंने अपने लिए पीछे OPD बंद कर दी थी एक प्रिकॉशनरी तौर पे, तो वो कितने ऐसे हॉस्पिटल होंगे और अब क्या सबने शुरू कर दिया? अब पहले भी मेजॉरिटी हॉस्पिटल्स पहले भी OPD कर रहे थे और आज से तो सभी करेंगे,
पर अगर कोई डॉक्टर किसी कारणवश नहीं भी मिलता तो ऐसा हो सकता है कि 100 में 3-4 डॉक्टर, जो पहले रूटीन ओपीडी में भी ऐसा होता था कि 100 के 100 लोग तो प्रेजेंट हो नहीं सकते, अगर किसी मरीज़ का डॉक्टर किसी वजह से नहीं भी मिलता तो और बहुत डॉक्टर हैं जो आपको मिलेंगे, 9 से 1 के बीच में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, और आना तभी है अगर बहुत ज़रूरी है। ये थे हमारे साथ डॉक्टर अरुण गोयल जी, आईएमए के प्रेसिडेंट। इनका कहना है कि ओपीडी पहले भी चल रही थी, अब भी चल रही है, लेकिन अब सुरक्षा को लेकर ये ज़्यादा और सख्ती बरतेंगे। इनका ये कहना है कि अगर किसी को आवश्यकता है तो ही वो हॉस्पिटल के अंदर आए, अगर वो हॉस्पिटल के अंदर आता है तो मास्क डालकर आएगा, मास्क डाल के बिना उसको हॉस्पिटल में एंट्री नहीं होगी, उनको प्रॉपर सैनिटाइज किया जाएगा, और मजबूरी हो मरीज के साथ एक ही बंदा, एक ही उसका अटेंडेंट उनके साथ आ सकता है अगर तो आवश्यकता है, नहीं तो इनके द्वारा सभी हॉस्पिटलों के नंबर करनाल प्रशासन को दिए जा चुके हैं, वहाँ से वो हॉस्पिटल का नंबर लेकर फ़ोन के ऊपर राय ले सकते हैं, और फ़ोन के ऊपर जो डॉक्टर दवा बताएंगे उनको दवा को बाजार से लेकर अपना इलाज करवा सकते हैं। मैं तरुण मदान, सीनियर कैमरा पर्सन सनी चौधरी के साथ समाचार एक्सप्रेस के लिए, धन्यवाद। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.